ये रीसेट करने के बाद में मैं रीसेट कर दिया एक बार, दोबारा फिर से ओटी लिख के आया। ओटी लिख के आना जरूरी है, अगर ओटी लिख के नहीं आता है तो आपका वो चीज़ पैरामीटर चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसका जो ग्रुप एफ है उसमें जाऊंगा, उस ग्रुप में आपका दोनों बटन प्रेस करूंगा एक साथ में, ये एफ आ गया। अब प्लस वाले को प्रेस करूंगा, इसमें आपका एल स्पीड लॉक के लिए, ये स्पीड लॉक हमारी कितने में करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ये आपकी बढ़ रही है घट रही है आप देख रहे हो, ये आपका लॉक हो गया, आपका ये आपकी लॉक हुई 3500 पर, थोड़ी 3000 पर। इसको बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो आप इसको, आप ये आपकी एक बार कम होगी देन फिर स्टार्ट होगी बढ़ने के लिए, ये आपकी सेव हो गई आपकी। इसी तरह आपका एन, ये एम लिखा हुआ है पढ़ते इसको एन है, ये मिडिल पोजिशन के लिए, आप मिडिल पोजिशन को आपको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो आप इसको, ये इसको जीरो करेंगे तो ऑफ हो जाएगा आपका, वन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तीसरा आपका डी, ये आपका एडिशन बटन के लिए, इसमें डी वन डी जीरो और डी टू, इसमें तीन होते हैं। डी वन का मतलब हाफ स्टिच, डी टू का मतलब है फुल स्टिच आपका लेगा निडिल, और डी जीरो का मतलब आपका हो जाएगा ये फंक्शन आपको ऑफ करना, तो यहाँ से ऑफ भी हो सकता है आपका फंक्शन, ये ऑफ हो गया आपको यहाँ से। जी वन, जी वन का मतलब मशीन हम टिल्ट करते हैं उस वक्त हमारा एरर 7 आता है, अगर आपको इसको ऑफ करना है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, आप जीरो कर दोगे तो ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से, अब आपका एरर 7 नहीं आएगा आपका। ये इसका टाइमर है, ये 30 मिनट का टाइमर है, हम 30 मिनट अगर हम पैडल प्रेस नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक इस पर ऑफ लिख किया जाएगा। तो ये टाइमर हमारा जीरो से लेके एक घंटे तक का है, ये 10 मिनट का हो गया, ये जीरो ऑफ हो गया, ये 60 मिनट का हो गया, तो हम जो भी टाइमर सेट करना हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से हम। बस ये ओटी सेव हो गया आपका। ये C5 और N3 ये आप पैरामीटर मोटर के लिए हैं, इनको आप ना टच करना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मोटर की फोर्स कम ज़्यादा होती है। ये U0 अगर आपको मशीन की स्पीड डिस्प्ले पे देखनी है तो आप इसको एक कर दो, तो डिस्प्ले पर P लिख के नहीं आएगा, मशीन की स्पीड शो होगी आपकी। आगे दिखा दो, ये इसका सॉफ्टवेयर आपका है, सॉफ्टवेयर का वर्जन नहीं सॉरी, ये आपका है लो वोल्टेज के लिए, ये जीरो मैंने ऑफ कर रखा है इसको, 150 वोल्टेज 140 वोल्टेज 130 वोल्टेज 120 वोल्टेज 110 वोल्टेज 100 वोल्टेज और ऑफ। ये लो वोल्टेज आपका जो है ना ईसी आता है उसके लिए आपको है, ईसी आ रहा तो उसको ऑफ भी कर सकते हो, वोल्टेज को अकॉर्डिंग वोल्टेज सेट भी कर सकते हो। ये हाई वोल्टेज के लिए अगर एरर ई भी आता है आपका तो ये 260 वोल्टेज 270 वोल्टेज और जीरो, हम इसको भी ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ऑफ हो गया। ये दोनों वार्निंग एरर हैं, तो इसमें वार्निंग एरर जो होते हैं तो हमें फैक्ट्री को बताना पड़ता है कि आपके वोल्टेज कम हो रहे हैं ज़्यादा हो रहे हैं, ऑफ करना अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसके ये पैरामीटर्स हैं।